यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ये युद्ध विराम 6 जनवरी की रात 9 बजे से 7 जनवरी तक लागू रहेगा। पुतिन ने ये ऐलान इसलिए किया है क्योंकि एक दिन बाद यानी 7 तारीख को ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय क्रिसमस मनाएगा। रूस और यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, इसी वजह से पुतिन ने क्रिसमस मनाने के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 6 और 7 जनवरी को रूस की सेना यूक्रेन पर नहीं करेगी हमला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर 6 और 7 जनवरी को 36 घंटे के लिए यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान कर दिया। पुतिन ने यह फैसला ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की अपील पर लिया। पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस की फौज 6 जनवरी की रात 9 बजे से 7 जनवरी तक यूक्रेन में हमला नहीं करेगी, यानी 2 दिन रूस की तरफ से सीज फायर रहेगा। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस ने सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पुतिन ने सच में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की अपील पर ही ये फैसला लिया है, या फिर उनके फैसले के पीछे कोई और वजह है? क्योंकि पश्चिमी मीडिया इस फैसले के पीछे कुछ और ही दावे कर रहे हैं। क्या पुतिन अपने देश में विरोध को कम करना चाहते हैं? क्या रूस की जनता यूक्रेन से जारी जंग से थक चुकी है? क्या युवाओं को रूस की सेना में जबरन शामिल किया जा रहा है? कुछ पश्चिमी मीडिया की माने तो पुतिन के विरोधी लगातार ये दावे करते रहे हैं कि रूस की जनता यूक्रेन से जारी जंग की वजह से थक चुकी है, तो वहीं फौज में युवाओं को जबरन शामिल करने से भी वहां की जनता पुतिन से काफी नाराज है। इस बीच रूस की सरकार ये भी बताने को तैयार नहीं है कि युद्ध के दौरान अब तक कितने सैनिकों की मौत हो चुकी है। ऐसे में पुतिन के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि वो देश और दुनिया में अपने विरोधियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो जंग नहीं बल्कि अमन के पक्ष में है। और इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से 2 दिन का सीज फायर का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार पुतिन के इस फैसले के पीछे कई वजह बता रहे हैं।